न्यूरोबियॉन 40 टेबलेट्स इंडिया का नंबर वन डॉक्टर रिकमेंडेड विटामिन वी टेबलेट्स हैं और जो कि कॉम्बिनेशन है विटामिन वी कॉम्प्लेक्स की, जिसके बीच में विटामिन V1, विटामिन V2, विटामिन V3, विटामिन V5, विटामिन V6 और विटामिन V12 जो है प्रेजेंट होते हैं। इसको जो है स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि जो नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं पर्सन के बीच में तो उनको जो है ठीक किया जा सके। न्यूरोबियॉन 40 टेबलेट्स जो हैं जी आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेगी अगर किसी को कोई भी विटामिन वी के रिलेटेड डिफिशेंसी है और उनके बीच में टिंगलिंगनेस होती है, टाइर्डनेस जैसी महसूस होती है पर्सन के बीच में, नंबनेस जैसी होती है, पेन अगर होती है नर्व्स के बीच में या फिर बर्निंग सेंसेशन जैसी फीलिंग होती है तो उस दौरान जो है आप लोग इन टेबलेट का यूज कर सकते हैं। रेगुलर जो है आप लोगों को विटामिन वी टेबलेट को यूज करना है तभी आप लोगों को इसके बेटर रिजल्ट जो है दिखाई देंगे। रेगुलर जब आप लोग जो है न्यूरोबियॉन 40 टेबलेट्स का यूज करते हैं तो जे आप लोगों की हेल्थ को जो है एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो एज्ड पर्सन है तो उनको जो है इनका यूज करना चाहिए। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, टाइर्डनेस जैसी होती है, नर्व्स के बीच में पेन है तो उस दौरान वो पर्सन जो है इनका यूज कर सकते हैं। न्यूरोबियॉन 40 टेबलेट्स जो है इनको यूज किया जाता है विटामिन वी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए। न्यूरोबियॉन 40 टेबलेट्स को यूज किया जाता है विटामिन वी की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए। इससे जो है इम्यून सिस्टम को एक तरह से स्ट्रेंथनेस मिलती है और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जो है हो जाता है और साथ में ही एनर्जी लेवल भी जो है इंक्रीज करता है। अगर किसी को जो है हेड एचेस है या फिर जॉइंट पेन्स है तो उस दौरान भी आप लोग जो है इसका यूज कर सकते हैं। जी आप लोगों के जो भी विटामिन V12 की डिफिशेंसी के द्वारा जो है जॉइंट पेन या फिर हेड एचेस होती है तो उसको ट्रीट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूरोबियॉन जो है जी आप लोगों के नर्व फंक्शन को जो है इम्प्रूव करता है। न्यूरोबियॉन 40 जो है वो विटामिन वी कम्प्लेक्स सप्लीमेंट है और जो कि आप लोगों की न्यूट्रिशन डिफिशेंसी को जो है इम्प्रूव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोगों को जो है डॉक्टर को पूछ के ही किसी भी सप्लीमेंट का यूज करना है। न्यूरोबियॉन 40 टेबलेट्स जो है ये सेफ टेबलेट्स हैं, इसके बीच में विटामिन वी जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इनको आप लोग जो है डेली कंज्यूम कर सकते हैं मॉर्निंग में खाना खाने के बाद विद ग्लास ऑफ वाटर के साथ, या फिर जैसे आप लोगों के डॉक्टर ने आप लोगों को बोला है वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो पर डे आप लोगों को 1 टेबलेट को जो है कंज्यूम करना है मॉर्निंग में। इसको आप लोगों को कंप्लीट स्वेलो अप कर देना है, ना ही चपाना है और ना ही क्रश करना है और ना ही ब्रेक करना है। इन टेबलेट्स को आप लोगों को बिलो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्टोर करके रखना है, ड्राई प्लेस में रखना है और बच्चों से दूर रखना है। अगर हम लोग जो है की इंग्रेडिएंट की बात करें जो कि इन टेबलेट्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं वो है थायामीन नाइट्रेट जो कि विटामिन V1 है, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन V2 है, पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि विटामिन V6 है, साइनोकोबाल अमाइन जो कि विटामिन V12 है, निकोटिना अमाइड जो कि विटामिन V3 है और कैल्शियम पेंथोनेट जो कि विटामिन V5 है। तो अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें तो 30 टेबलेट्स की एक स्ट्रिप जो है आप लोगों को 32 रुपए की मिल जाएगी। जब कभी भी आप लोग किसी भी मेडिसिन को कहीं से भी खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके ही खरीदें। अगर हम लोग जो है बेनिफिट्स की बात करें, न्यूरोबियॉन 40 जो है जो जनरली यूज में लाई जाती है अगर किसी को विटामिन वी की डेफिशिएंसी है और साथ में ही जो आप लोगों के नर्वस सिस्टम के हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, आप लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है, आप लोगों के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आप लोगों के हेल्थी हेयर और स्किन को भी मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ में ही लीवर हेल्थ को भी प्रमोट करता है, आप लोगों की मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, एनर्जी को बूस्ट करेगा। विटामिन वी जो है जो कि न्यूरोबियॉन 40 टेबलेट्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं तो वो सेफ हैं और उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स जो है वो नहीं होते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर डोसेज में यूज़ करें और प्रॉपर ड्यूरेशन तक यूज़ करें जैसे आप लोगों के डॉक्टर ने आप लोगों को बोला है तब, लेकिन अगर आप लोग जो है इनके डोसेज को जो है इंक्रीज कर देते हैं तो उससे आप लोगों को इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है देखे जा सकते हैं, जैसे कि डायरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन होना, नर्व डैमेज होना, नौसिया, वोमिटिंग होना, स्टोमक अपसेट रहना या फिर लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाना बॉडी मूवमेंट का। वो पर्सन जो कि
प्रॉपर वे से जो है विटामिन वी को अपनी डाइट से कंज्यूम करते हैं तो उनको न्यूरोबियन 40 टेबलेट्स को कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इसके फिर ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी प्रॉपर डाइट से जो है वो विटामिन वी को जो कंज्यूम कर रहे हैं जिस वजह से। तो ये न्यूरोबियन 40 टेबलेट्स जो हैं इनको पर्टिकुलरली अडल्ट पर्सन्स के लिए जो है तैयार किया गया है। न्यूरोबियन 40 टेबलेट्स जो हैं जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स हैं और जो कि यूज़ की जाती हैं विटामिन वी की डिफिशेंसी को फुलफिल करने के लिए। ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं और साथ में ही नर्व फंक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये टेबलेट्स जो है ये कॉम्बिनेशन है विटामिन वी कम्प्लेक्स का, जिसके बीच में विटामिन वी वन आ जाएगा, विटामिन वी टू, विटामिन वी थ्री, विटामिन वी फाइव, विटामिन वी सिक्स और विटामिन वी ट्वेल्व जो है प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम लोग जो है बेनिफिट्स की बात करें इन विटामिन्स की, तो विटामिन वी वन जो है जो हेल्प करता है आप लोगों की बॉडी के बीच में जो शुगर है उसकी ब्रेकडाउन करता है जो भी आप लोग डाइट खाते हैं उसमें, और साथ में ही आप लोगों का जो भी हार्ट का या फिर नर्व सेल्स का फंक्शन होता है तो उसको भी इम्प्रूव करता है। विटामिन वी टू जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों की बॉडी की ग्रोथ के लिए और साथ में ही रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हेल्प करता है एनर्जी को रिलीज करने में प्रोटीन से और साथ में ही जो आप लोगों के बॉडी प्रोसेसेस को भी जो इम्प्रूव करता है और साथ में ही सेल ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सेल फंक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग जो है विटामिन थ्री की बात करें तो वो जो है आप लोगों की हेल्थी स्किन और नर्व्स को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी विटामिन थ्री जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बीच में और साथ में ये फैट की सिंथेसिस में। जी आप लोगों के सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट एक्शन को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन बी फाइव जो है जो इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड में और साथ में ही जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हॉर्मोन की प्रोडक्शन में और कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन में। विटामिन बी सिक्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में और साथ में ही नर्व्स की फंक्शनिंग में। जी आप लोगों की बॉडी के बीच में फूड से एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं और साथ में ही आप लोगों के ब्रेन फंक्शंस को भी जो है मेंटेन करते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व जो है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए और साथ में ही जो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी नर्वस फंक्शन की फंक्शनिंग में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साथ में ही ये आप लोगों की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को भी जो है मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साथ में ही नर्व फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूरोबियन 40 टेबलेट्स जो हैं ये आप लोगों के बी कम्प्लेक्स विटामिन की डिफिशेंसी को ट्रीट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साथ में ही आप लोगों के ओवरऑल हेल्थ और वाइटिलिटी को इम्प्रूव करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रही है तो वो जो है किस वजह से जो है उनके बीच में नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उसके बीच में भी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है देखी जाएगी, या फिर कोई एल्डर पर्सन्स हैं उनके बीच में भी जहाँ कोई स्मोक करता है ज़्यादा तो उनके बीच में भी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। जो पीपल्स अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो उनके बीच में भी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है देखी जाती है। वो इंडिविजुअल्स जिनको कि किडनी प्रॉब्लम्स है जो कि डायलिसिस के ऊपर है जो फिर डिजीज है इंटेस्टाइन्स की माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनके बीच में कॉज होती हैं और उनको जो है इन न्यूरोबियन 40 टेबलेट्स का यूज करना चाहिए, इनसे उनको विटामिन वी कॉम्प्लेक्स जो है वो मिलेंगे। अगर बाई चांस किसी को जो है इन टैबलेट्स को कंज्यूम करना भूल जाता है, डोज को कंज्यूम करना भूल जाता है कोई पर्सन, तो जब भी उसको याद आए तो उसी टाइम उसको जो है उस डोज को जो है कंज्यूम कर लेना है। लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइम आ चुका है और आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा लेट टाइम के बाद जो याद आता है कि डोज जो है मिस हो चुकी है तो उस दौरान आप लोगों को मिस्ड डोज को स्किप कर देना है। डबल डोज जो है कभी भी एक समय पर कंज्यूम नहीं करनी है।